हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज डायरी पे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले मैंने 1, 2, 3 के क्वेश्चन को सॉल्व किए और उसके जो फार्मूलेस थे मैंने उसको पढ़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वो सब सारे फार्मूले को याद कर चुके होंगे। तो जैसे इस चैप्टर में जो हमारे फार्मूले यूज होते थे, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही फार्मूले थे। जैसे कि मेरा पहला जो फार्मूला था कि था sin 90 - θ इक्वल टू क्या था, cos θ था। एक फार्मूला ये हो गया मेरा। उसके बाद दूसरा फार्मूला था tan 90 - θ इक्वल टू cot θ, ये था दूसरा। और ये हमारा तीसरा था। चौथा था हमारा cos 90 - θ। ठीक, उसके बाद क्या होता है sin θ, देखो इसी का क्या था, उल्टा था। उसके बाद ये हमारा tan θ का उल्टा क्या था, cot θ था। उसके बाद cos का क्या था, sec θ था। ये सब फार्मूले मैंने आपको बेसिक से बताया कि कैसे याद करते हैं इसको, कैसे नहीं, कैसे किया जाता है आसानी से, वैसे इसको फार्मूले में क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो मैंने इसको एकदम अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में बताए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम देखते हैं क्या है हमारा, इसमें हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है कि इफ़ टेन ए इक्वल टू कॉट बी, प्रूफ दैट इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी, प्रूफ दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमको प्रूफ करना है ए प्लस बी क्या है हमारा, एक 90 डिग्री है। तो चलिए हम उसको प्रूफ करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये ए है टेन ए, ये हमारा थीटा है, मतलब ये थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद चलिए कुछ भी हो सकता है। फिर इन दोनों में किसी योग को हम चेंज कर देंगे, जैसे हर में करते थे, जैसे सब किसी पिछले वाले क्वेश्चन में जितने भी हम क्वेश्चन पढ़े, 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सब में हम क्या करते थे, इन दोनों में किसी योग को क्या करते थे, चेंज करते थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी योग को चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेन ए है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे tan 90 - a हमारा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो हम ए को क्या करते हैं, cot 90 - a कर देंगे। तो हमारा देखो, अगर जहाँ ये cot इसको बना देंगे तो cot cot हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम कैंसिल करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख के हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे किया जाएगा। ऐसे आप भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। तो देखो हम इन दोनों में चेंज करते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, हम टेन ए है तो हमको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो टेन ए को क्या कर सकते हैं, ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cot cot कर देंगे 90 - a 90 - a। तो देखो हम क्या कर दिए, ए की जगह पे सिर्फ हम क्या लिख दिए हैं, 90 - a कर दिए हैं। और ये जो टेन था हमारा, टेन अगर यहाँ टेन 90 - करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉट होता है। तो ऐसे ही हम इसको चेंज कर दिए, तो कॉट 90 - a हो गया इक्वल टू कॉट बी कर दिए यहाँ पे, कॉट बी। फिर देखो ये हमारा सेम हो गया। हम इसको ऐसा करते हैं ताकि सेम हो के हमारा क्या हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए। देखो ये इक्वल के इधर है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया ना। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 - a इक्वल टू बी। तो देखो अगर जहाँ हम 90 इधर है तो माइनस ए को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस ए। तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया हमारा, एकदम आसानी से प्रूफ हो गया। पहले हम इसको ध्यान देंगे कि हमको इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया था कि हमको जो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में हम एक को चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे जैसे हम इसको भी कर सकते थे, हम इसमें कॉट बी को भी चेंज कर सकते थे। हम देखो जैसे अगले नेक्स्ट पेज में करते हैं, हम इसको एक दूसरे भी तरीके से कर सकते थे। जैसे हमारा दिया गया है टेन ए इक्वल टू कॉट बी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें को इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें क्या किए थे हम, टेन ए को चेंज किए थे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉट बी को चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे हम टेन ए को क्या किए, ऐसे एज इट इज लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉट बी को चेंज कर देंगे। तो क्या हम क्या यहाँ क्या लिख देंगे, टेन 90 - ये थीटा है, इसमें क्या है, बी है, इसको कर दिए। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा टेन से टेन कट गया, यहाँ पे ए बचा है, ए को ऐसे ही रहने दिए, इक्वल टू 90 - b। फिर क्या करेंगे, बी को इधर लिख चले जाएंगे, प्लस हो जाएगा ए प्लस बी 90 डिग्री। देखो आ गया।
तो हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी योग को चेंज करेंगे तो ऐसे हमारा हो जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में जितने भी किए हैं अब उसको भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, उसमें भी आप चेंज करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा जस्ट जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था सेम उसी के जैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था जस्ट क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा उसी जैसा है। देखो इसमें लिखा है कि इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, फेयर 4a। हमको इसमें क्या करना है, सिर्फ ए की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था सेम उसी है, इसमें भी क्या करना है हमको, एक को चेंज करना है और बाकी दूसरे को ऐसे करना है। जैसे यहाँ पे सेक सेक है, यहाँ कॉसेक है, सेक को किसी तरह चेंज करके हम कॉसेक ला दें तो हमारा ये ए की वैल्यू निकल जाएगी, या तो कॉसेक कॉसेक को चेंज कर दें सेक में, तो हम क्या करते हैं किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, सेक 4a को चेंज कर देंगे किसमें, कॉसेक में। तो हम चेंज कैसे करेंगे, जो हमने फार्मूले बताए हैं उसी के हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉसेक कॉसेक 90 माइनस 4a कर दिए, ठीक। तो देखो ये हमारा 4a की जगह पे 90 माइनस 4a और ये सेक की जगह पे कॉसेक हो गया, ठीक। इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, कॉसेक ए माइनस 20, ठीक। अब देखो ये हमारा कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, इक्वल के इधर था, तो हमारा यहाँ क्या बचा, 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, ठीक। अब देखो ए को एक साइड लेके जाएंगे और जो हमारे कांस्टेंट है उसको एक साइड लेके जाएंगे, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा ऐड में हो जाएगा 5a इक्वल टू ए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके गए तो इसको जब हमारा हो जाएगा 110, 110, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 110 अपॉन 5a, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसी एक को लेके चेंज कर देना है और बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे एज इट इज हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और थर्ड इन दोनों जैसा क्वेश्चन हमारा हर बार क्वेश्चन आता है, हमारे बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, तो आसान भी है और इससे हम क्या करते हैं अपने मार्क्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होगा इस पर, इसके हम 10 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उस 10 में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। या तो सेम वही क्वेश्चन होंगे या तो क्या किया जाएगा उसके डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा बस, और बाकी क्या रहेंगे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इसमें देखो क्या दिया गया है, इफ़ ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल आर ट्रायंगल, मतलब एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी है तो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। देखो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा ये ऐसे सही है, ये भी इसमें ऐसे दिया गया है बी प्लस सी बाई टू ऐसे करके है, ठीक, और बाकी सब सेम ही है। तो हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, हमको ये क्या करना है, यही चीज़ हमको शो करना है। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो पहले कि हम जानते हैं, एक क्लास 9th में हमने कोई थ्योरम पढ़े थे, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा कोई भी एंगल जो होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री। हमारा कोई भी ट्रायंगल जो होता है, जो उसके एंगल होते हैं तीनों के एंगल, वो कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते लेते हैं, एक इंटीरियर ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमारा कितना है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। ये सब तीनों मिला के कितने हमारे 180 डिग्री हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है हमारा, 180 डिग्री है, ठीक। तो देखो हमारे इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखो इस साइड हमारा क्या है, ए है, इस साइड हमारा बी है क्या है, और इस साइड हमारा क्या है, सी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ ले लेते हैं, बी प्लस सी हमारा, देखो प्रूफ को देखते चलते हैं, प्रूफ को देखते रहेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो हमारा देखो इसमें दिया गया है बी प्लस सी और ए, तो बी प्लस सी हमारा इस साइड है इक्वल, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे बी प्लस सी, तो हम इसको बी प्लस सी को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। एंगल बी प्लस सी लिखो या सिर्फ बी प्लस सी लिखो, दोनों सेम ही है। तो क्या करते हैं हम, इसको एंगल बी प्लस एंगल सी एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल इस 18 के इस साइड चला, क्या चला जाएगा हमारा, 18 माइनस एंगल ए हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हमारा क्या था, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए था। फिर क्या करेंगे, देखो
हमारे जो प्रूफ में दिया गया है उसको देखेंगे। प्रूफ में देखो हमारा नीचे क्या है, टू है। नीचे देखो यहाँ पे, ये हमारा नीचे क्या है, टू है। ये हमारा नीचे क्या है, टू है। तो नीचे हमारा क्या है, टू है। इसके भी नीचे टू है, तो हम क्या करेंगे, नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई टू। तो नीचे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड टू से। तो देखो ये हमारा एंगल बी था, एंगल सी था। तो एंगल बी प्लस सी को एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई टू हो गया, ठीक। उसके बाद इक्वल इसको भी डिवाइड कर देंगे, 180 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई टू। फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखो हमारी इसमें हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन भी है, तो क्या करेंगे हम, अब साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, साइन से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, इस, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, साइन को। दोनों साइड अगर हम साइन को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये हो जाएगा साइन ब्रेकेट में बी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू। अब यहाँ पे भी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, साइन ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई टू। देखो ये हमारा हो गया, ठीक। अब देखो LHS तो हमारा आ गया, क्या हो गया, LHS हमारा आ गया। LHS में क्या था, साइन बी प्लस सी बाई टू। तो देखो ये LHS में हमारा क्या आ गया, साइन बी प्लस सी बाई टू। देखो तो हमारा इसमें आ गया साइन बी प्लस सी बाई टू, LHS आ गया। अब RHS में हमारा क्या दिया गया है, साइन 180 माइनस एंगल ए बाई टू। तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो RHS में था, तो RHS हमारा क्या है, RHS है हमारा 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई टू। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किए थे, साइन से किए थे, ठीक। इसको साइन से मल्टीप्लाई किए थे। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। देखो साइन था हमारा, उसके बाद 180 बाई टू माइनस एंगल ए बाई टू, इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, तो लिख दिए। उसके बाद देखो ये हमारा ये 90 ही तो है, ये हमारा 90 है, यानी कि साइन 90 माइनस एंगल ए बाई टू, हाँ। अब देखो हम पढ़े, ये हमारा क्या, अब देखो फार्मूला बन गया हमारा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा होता है। तो हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे कि हमारा क्या आया है, साइन 90 माइनस एंगल ए बाई टू आया है। तो हम क्या था, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम इसको कॉस, हमारा थीटा यहाँ क्या है, एंगल ए बाई टू, तो कॉस एंगल ए बाई टू। तो एंगल देखो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारा क्या हो गया, RHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया ना। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तब भी हम बता देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है आपके बोर्ड में। तो इसमें पहला दिया गया है कि हमारा एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 72 सॉरी एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो देखो इसका मतलब ये, इसमें क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि इन दोनों को ऐसे करो कि 0 से 45 के बीच में आए, मतलब ना ये जो तुम्हारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया गया है, इसमें ये बोल रहा है इन दोनों को ऐसे सॉल्व करो, मतलब इस तरीके से करो कि ये जो इसके आंसर आए, इसके जो आंसर आए 0 से 45 के ही बीच में आए, मतलब 0 से 45 डिग्री के ही बीच में आए। अगर जहाँ तुम्हारा 60 आ गया, 70 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो भी चीज़ है 0 से 45 के बीच में, जैसे मान लो 26 आ गया, 28 आ गया, 30 आ गया, तो हमारा इसी के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से और 45 के बीच में ही आना चाहिए, मतलब कि हमारा 0 और 45 के ही बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा कैसे आएगा, तो इसमें हम वही जैसे पिछले में किए, क्वेश्चन में किए थे, किसी एक को लेके सॉल्व कर देंगे। हमारा देखो साइन 67 था, क्या है, साइन 67 है, साइन 67 है और कॉस 75 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक को चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पहलू को चेंज कर देते हैं ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। देखो साइन
अगर जहाँ 60 से 90 माइनस 23 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चेंज करके 90 माइनस 23 कर दिए प्लस cos 75। अब इसको भी चेंज कर देते हैं, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमारा प्लस में है तो इसलिए हम दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को चेंज कर दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइंस किए थे, अब यहाँ पे कॉस करके चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस 15, ठीक। तो ये हमारा ये थीटा है और ये भी हमारा क्या है, थीटा है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ये साइन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस 23 डिग्री हो गया प्लस ये हमारा साइन हो जाएगा, साइन 15 डिग्री हो गया। देखो ये हमारा 15 डिग्री और ये 23 डिग्री, 0 से और 45 के बीच में आ रहे हैं ना, इसी के बीच में आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी आंसर आ गया इसका, कितना ये आ गया। तो ये हमारा यहीं पे ये एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म होती है। अब इसके आगे की एक्सरसाइज हम 8.4 को कंटिन्यू करेंगे। 8.4 को पढ़ने से पहले हमने जितने भी फार्मूलेज पढ़े हैं 8.1, 8.2, 8.3 में, हमको सारे फार्मूले याद रहने चाहिए। अगर जहाँ 8.4 को करने से पहले हमको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे तो हम 8.4 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो 8.4 में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, उसको किसी भी फार्मूले से भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर जहाँ हमको फार्मूला नहीं याद है तो हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व तक नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, पहले जितने भी फार्मूले हैं उसको बढ़िया से याद कर लेना है, एक जगह लिख लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है, तभी हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 8, उसके बाद हम आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। और उस क्वेश्चन को अगर जहाँ आप सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आपको कम से कम उस 10 क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इतना श्योरली कह सकते हैं कि 80% क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे उस 10 क्वेश्चन से, ठीक। उसके बाद चलिए अब यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं, उसके बाद आगे आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।